नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ सलोनी राणा। आज का मुद्दा में हम बात करेंगे पोस्टर बॉयज की। पोस्टर बॉयज इसलिए क्योंकि दिल्ली से ऐलान हुआ कि 2022 तक हर किसी को घर मिल जाएगा। हमने भी सोचा कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, परखा जाए, समझा जाए, देखा जाए और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की पड़ताल, संवाददाता शौकीन की बड़ी पड़ताल, आवास योजना या मजाक योजना। मेरे पैसे नहीं आए हैं। अच्छा, क्यों नहीं आए? पता नहीं क्यों नहीं आए हैं पैसे। मैं तो रोज जा रही हूँ चेकिंग। बरसात में आपका मकान तुड़वा गया? बारिश में मेरा मकान तुड़वा दिया। मेरे रहने सहने का भी कोई इंतजाम नहीं। आपने हाँ करी थी, 2500 रुपए दिए थे। 2500 रुपए दिए थे। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का सच है और अगर यकीन नहीं होता तो चलिए बिजनौर के मोहल्ला मिर्तिगा B11 इलाके में और समझिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे आशियाना बनाया जा रहा है या कहें कि उजाड़ा जा रहा है। आसमान से बरसती आफत और छोटी सी जगह सिर पर छत से टपकता पानी और टपकते पानी के नीचे अपना जीवन गुजारता एक परिवार। तेज बारिश और तूफान के बीच ये परिवार यहीं पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है क्योंकि सिर छुपाने के लिए कोई और विकल्प नहीं है। पहली तस्वीर रफीक अहमद और शाहीन का घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 31 मार्च 2019 तक देश के गांव में 1 करोड़ घर गांव वालों को दे दिए जाएं। देश की ग्रामीण गरीब जनता सम्मान के साथ पक्की छत के नीचे शौचालय, बिजली और साफ पानी के साथ जिंदगी जीने का मौका पीएम आवास योजना के तहत पीएम नरेंद्र मोदी देने में जुटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर शकील और मन्नो खातून का घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी सपने को उन्हीं के पार्टी के शासित राज्य उत्तर प्रदेश में सिर्फ आंकड़ेबाजी का खेल करके लक्ष्य पूरा करने के नाम पर तोड़ा जा रहा है, चकनाचूर किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर यूनुस और जनेब का घर। योगी आदित्यनाथ राजवाला उत्तर प्रदेश जो गांव में गरीबों के घर बनाने के मामले में खुद को अव्वल बताने में लगा है, वहां गरीबों के घर के सपने से सरकारी विश्वासघात किया जा रहा है। घर जो ना पूरे बने हैं ना रहने लायक हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर उत्तर प्रदेश में कैसे राज्य, केंद्र और देश को गुमराह किया जा रहा है, इसका सच अब सामने आ चुका है। इन तीन घरों को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार वाकई गरीब गांव वालों के लिए तेजी से काम कर रही है। लेकिन जब सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज का कैमरा प्रधानमंत्री आवास योजना की पड़ताल के लिए पहुंचा, तो एक भी लाभार्थी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई। कितने पैसे आने थे इसमें? 1 रुपये भी नहीं आया अभी। अच्छा, मकान कौन बनवा रहा है? आपको बता दें कि यहाँ पर कई लाभार्थी का नया मकान बनवाने की नियत से पुराना आशियाना भी तुड़वा दिया गया और अब वो गर्मी, धूप और बरसात के समय में घर की छत पर तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि सरकार का सिस्टम कहता है कि उनकी सरकार गरीबों को आशियाना देने का काम कर रही है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फॉर्म भरने के बाद से ही उनके आवास दिलाने के नाम पर उनसे पैसों की मांग भी की जा रही है। जी, क्या हुआ आपके मकान? हमारा पैसा नहीं आया मकान का आने से, कभी जब भी ना पैसा नहीं आ रही, हमारा हम बहुत परेशान है। कितना समय? 1 साल से भी ज्यादा हो गया। हमने भिखारियों से भी बहुत वो करी मगर जब भी हमारा पैसा नहीं आ रहा मकान, हमारा बहुत परेशान है। अच्छा, जो मकान चोरी है किस तरह से? आप वहीं कुछ लाभार्थी हमें ऐसे भी मिले जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका आवास तो बन रहा है लेकिन अब दूसरी किस्त ना आने के कारण उनका आवास अधर में लटका हुआ है, जिसके चलते अब वो आधे अधूरे मकान में रहने के लिए मजबूर है। बिजनौर जिले में प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे खाना पूर्ति की भेंट चढ़ता जा रहा है,
तस्वीरों में देखिए घर पर छत नहीं, दरवाजे नहीं, खिड़कियां भी नहीं, घर के नाम पर सिर्फ चार दीवारी, आंकड़ों में पूरी हेरा फेरी। बिजनौर से संवाददाता शौकीन की स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल आज के मुद्दे में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम ताज़तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।